हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण यादव फ्रॉम JKIE। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है तथा उनके बीच क्या डिफरेंस उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो TCP और UDP के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला है कि TCP एंड UDP दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब ये OSI मॉडल के चौथे लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा कि TCP एंड UDP का यूज़ इंटरनेट पे रखे हुए होस्ट के बीच डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन TCP एंड UDP। तो TCP एंड UDP के बीच क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम कुछ उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि TCP एंड UDP कैसे कनेक्शन सेटअप करेगा, इनमें से कौन रिलेबल होगा, स्पीड किसकी अच्छी होगी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहला हम कनेक्शन सेटअप की बात करते हैं। तो TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, जबकि UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि TCP डेटा ट्रांसफ़र के पहले कनेक्शन सेटअप करेगा और एक बार रिलेबल सेटल हो जाएगा उसी के बाद क्या करेगा, डेटा ट्रांसफ़र करेगा। तो TCP में जो ये मैकेनिज्म होगा उसको हम बोलेंगे TCP हैंडसेकिंग। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि एक इनिशिएटर होगा जो एज अ क्लाइंट की भांति काम करेगा, और दूसरा जो होगा एज अ लिसनर होगा, एज अ सर्वर की तरह, लिसनर जो है एज अ सर्वर की तरह काम करेगा। इसमें क्या होगा कि इनिशिएटर किसी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर में क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसको हम बोलते हैं सिंक। ठीक है, और क्या करेगा, फिर ये जो लिसनर सर्वर होगा उस सिंक्रोनाइजेशन का रिप्लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं सिंक एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इस मैसेज में क्या बोलेगा, सर्वर ये बताता है कि आपका जो मैसेज है मुझे मिला है या नहीं, और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश हम कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से जो TCP होगा उसमें ये हमको एक्नॉलेज देगा, लेकिन जबकि UDP में इस तरह की कोई भी हैंडशेकिंग मैकेनिज्म नहीं होगी और ना ही ये कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, इसलिए इसको हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि TCP इज़ रिलायबल और UDP इज़ अनरिलायबल। मतलब ये होता है कि ये जो एक्नॉलेज जो हमने TCP हैंडशेकिंग देखी है, इस मैकेनिज्म से क्या होगा, हमको क्या मिलेगा कि हमारा जो डेटा होगा वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक रिलायबल तरीके से पहुंच जाएगा, क्योंकि TCP साथ ही साथ इसके साथ साथ क्या करेगा, TCP प्रोवाइड करेगा डिलीवरी गारंटी का, जबकि UDP डज नॉट प्रोवाइड एनी डिलीवरी गारंटी। इसलिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुँचेगा या नहीं इसकी कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं देगी, इसलिए एक तरह से ये UDP जो होगा वो अनरिलायबल होगा। ठीक है, हैवी वेट प्रोटोकॉल, TCP जो होगा वो एक हैवी वेट प्रोटोकॉल होगा, जबकि UDP जो होगा वो एक लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और इसी के कारण क्या होगा, TCP इन सभी रीज़नों के कारण TCP जो होगा वो स्लो होगा, जबकि UDP जो होगा फास्ट प्रोटोकॉल होगा। इसलिए क्योंकि इसको ना ही कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है और ना ही ये क्या करेगा, एक्नॉलेज देगा, इसलिए UDP जो होगा वो फास्ट प्रोटोकॉल होगा। TCP में फ्लो जो होगा डेटा के फ्लो पे कंट्रोल होता है, जबकि UDP में कोई भी ऑप्शन नहीं आता फॉर फ्लो कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम डेटा का पैकेट देखते हैं, TCP पैकेट है और ये UDP पैकेट है। तो हम देखते हैं कि जो TCP पैकेट होगी ये 32 बिट्स की होगी, जिसमें सोर्स पोर्ट होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट के साथ साथ सिक्वेंस नंबर होगा, एक्नॉलेज नंबर होगा, साथ ही साथ विंडो स्लाइडिंग की भी सुविधा होगी। तो इस तरह से ये देखते हैं कि इसलिए ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट कनेक्शन स्थापित करेगा, साथ ही साथ इसमें फ्लो कंट्रोल जैसे फंक्शन को ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब हम देखते हैं UDP पैकेट भी 32 बिट्स का होगा, लेकिन ये सिंपल, इसमें एक सोर्स पोर्ट होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, लेंथ UDP चेकसम और डेटा होगा।